हेलो भाई, मिलन पवार फाइनली टाटा का जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था भाइयों को, हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट का, वो फाइनली यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। आज हम यहाँ पे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं भाई, रियल कस्टमर को, वो वाला नहीं कि मीडिया वाला वो अलग हो गया, लेकिन एक रियल आंखों से एक कस्टमर को कैसी लगती है कोई आम आदमी इसको देखने जाता है 30 लाख रुपये का प्राइस ब्रैकेट लेके, क्योंकि अब इसकी जो प्राइसिंग है ना 30 तक जा चुकी है भाई। और मोनोकोक चेसी होने के साथ साथ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ कैसी गाड़ी है, इसके बारे में मेनली आज इसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे पास जो गाड़ी खड़ी हुई है इसका टॉप वेरिएंट है जिसका नाम है फियरलेस प्लस। इस बार टाटा ने भाई जो वेरिएंट्स के नाम है ना, वो नेक्सॉन ले लो, पंच ले लो, सब में इस तरीके से डिवाइड कर दिए हैं, जहाँ पे प्योर हो गया, स्मार्ट हो गया, इस तरीके से। चलो अभी हमारे पास जो वेरिएंट खड़ा हुआ है सबसे टॉप वेरिएंट है इसका भाई, जिसको कहते हैं फियरलेस प्लस। अभी इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मार्ट, फिर उसके बाद स्मार्ट ऑप्शनल, प्योर, प्योर ऑप्शनल, उसके बाद आप जोड़ते जाओगे ना प्योर प्लस, कम से कम भी 20-25 वेरिएंट आपको एक गाड़ी में देखने को मिलते हैं भाई। टाटा इस चीज़ में तो बहुत ही तगड़ी है, उनके पास वेरिएंट्स की कमी नहीं होती कभी भी, अगर होती भी है तो टाइम टू टाइम कभी जेट एडिशन हो गया या फिर काजीरंगा एडिशन, इस तरीके से यहाँ पे निकालते रहते हैं। अभी भी एडिशन मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है, बस एक पेट्रोल वालों के लिए अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ मिसिंग रहेगी। चलो मैं आपको फ्रंट से दिखाने से पहले आपको चाबी मेनली दिखा देता हूँ, उससे ही आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि चाबी से ही आप काफ़ी चीज़ें अपनी ऑपरेट कर सकते हो। हालांकि चाबी आपको सेम ही मिलती है इस फेसलिफ्ट वाले में भी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ चेंज करी है, लेकिन अभी भी की यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, आपको हर गाड़ी में अभी भी टाटा की में ये सेम चाबी ही देखने मिलती है। सबसे पहले लॉक करते हैं जब हम गाड़ी को, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो इसकी DRLs हैं, जो मेन अट्रैक्शन है अभी टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का वो यही है भाई, इस तरीके से जो इसके ये ब्लिंक करते हुए नज़र आते हैं ना कनेक्टेड DRLs, ये एक नंबर लगते हैं इसके अंदर, जैसे हम अनलॉक करेंगे तो जो इसमें एनिमेशन आएगा इस तरीके का, इसने 4 चांद लगा दिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तगड़ी इसमें ये वाली चीज़ आ जाएगी, बट दिस इज़ रियली रियली नाइस भाई। इसके अंदर अगर आपको हेडलैम्प्स जलाने हैं गाड़ी अनलॉक करने के बाद, तो इसमें यहीं पे बटन दिए गए हैं, यहाँ पे हम जैसे इसको जलाएंगे तो DRL के साथ साथ यहाँ पे हमारी जो है ये हेडलाइट्स जो इन्होंने नीचे यहाँ पे बम्पर में इंटीग्रेट कर रखी हैं, ये भी जल जाएंगी भाई, यहाँ पे एयर कटेस हमको मिल जाते हैं रियल वाले। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ग्रिल की बात करोगे, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक वाली लुक देती है भाई, 205 mm के लगभग आपको मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर, 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर आगे मिल रहे हैं, और यहाँ पे कैमरा भी हमको देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी बहुत बहुत प्यारी है भाई। तो सबसे पहले तो भाई ये एक फेसलिफ्ट है, जनरेशन चेंज नहीं है, तो फेसलिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो चेसी वगैरह है वो पूरी पूरी सेम रहेगी, इंजन स्पेक्स पूरे सेम रहते हैं, बस यहाँ पे जो चेंजेस किए जाते हैं ग्रिल में हो गए, थोड़े इंटीरियर में हो गए। पर्सनली बताऊँ तो बहुत जबरदस्त लग रही है, और जो ये डार्क एडिशन इसका खड़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा इसमें ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट है, इसमें अब एडास भी हमको देखने को मिल जाते हैं, एडास जैसे फीचर्स जिसका हमको कैमरा वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रडार नहीं देखने को मिल रहा। ये इसकी इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप इस बार वाइट में कर दिया गया है, ये देखो पूरी वाइट, यहाँ पे पूरा वाइट सेटअप। एक लास्ट बटन रहेगा गाड़ी के अंदर, वो भाई ये बूट वाला, पहले क्या होता था केवल बूट अनलॉक हुआ करता था जब हम इस बटन को दबाया करते थे, लेकिन अभी जैसे आपके पास चाबी है तो हमको कुछ नहीं करना, पीछे जाके यहाँ पे इस तरीके से हमको स्वाइप करना है नीचे, अगर हमारे पास बैग्स वगैरह हैं, दोनों हाथ हमारे फुलफिल्ड हैं, इस तरीके से हमारा जो बूट है, ये इलेक्ट्रिक टेलगेट ना एन में आता है ना XUV700 में आता है, ये फिलहाल हैरियर की अभी मोनोपोली USP बन चुकी है इस वाले सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं। और यहाँ पे अगर हमको बंद करना है तो यहाँ पे सिंपली एक बटन दे रखा है, पार्सल ट्रे वगैरह हमको मिल रहा है, ये उसका बहुत बड़ा हमको भाई बूट स्पेस मिलता है। अब हैरियर में यही फ़ायदा होता है, अगर आपको सीटिंग नीचे आपकी फैमिली छोटी है तो हैरियर एक SUV से बढ़िया मोनोकोक चीज़ से, अगर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए, ऑफ रोडिंग वगैरह का आप शौकीन नहीं है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, जी बिल्कुल सबवूफर वगैरह हमको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप इसको नीचे जाओगे तो स्पेड टायर आपको यहाँ की जगह देखने को मिलेगा भाई, इसका नीचे की साइड 235/70 R16 है, ये 3 साइज कम कर दिया स्टेपनी भाई, 3 साइज कम है, कल को पंचर हो गई तो भाई गाड़ी के अलाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत ना आ जाए लिटिल लिटिल, क्योंकि ये जो है ना अपने ये आते प्रॉपर 19 इंच फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलते भाई, ग्लोस्टर में आते हैं, 245/55 R19 आपको मिलेगी, और हैशटैग डार्क की यहाँ पे बैजिंग मिल रही है। इस बार इन्होंने यहाँ पे भाई फॉन्ट भी चेंज कर दिया है, देखो हैरियर इस तरीके से लिखा गया है, साइड से कुछ मेजर ऐसे चेंज नहीं दिखता, बस अलॉयज का डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऑल ब्लैक हमको देखने को मिलता है, बाकी गाड़ी पूरी एक नंबर लग रही है। यहाँ पे क्रोम व्रोम साइड में यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरी पूरी ऑल ब्लैक एडिशन है। रूफ देखोगे पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर आ रही है, यहाँ पे रूफ रेल्स, शार्क व्हील एंटीना, और इस तरीके से इसकी जलती है हमारी पीछे की टेल लाइट्स। यहाँ पे हैरियर का फॉन्ट भी चेंज है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे कैमरा हो गया, यहाँ पे इसका वाइपर हो गया, वोकल फॉर लोकल की यहाँ पे बैजिंग मिल रही है, और ये इस बार टेल लाइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दी हैं, साइड तक भी आपको देखने को मिलती है, और यहाँ तक पूरा इसका डिज़ाइन ऐसे जलता हुआ हमको दिखता है। मेन जो अट्रैक्शन है ना भाई, जहाँ पे पूरा प्रॉपर टाटा ने एक नंबर काम कर दिया, वो इसका इंटीरियर, जब आप इसका इंटीरियर देखते हो ना भाई, मतलब मेरे जैसा आदमी फैन हो चुका है, फैन। जब हम पहले से कंप्लेंट किया करते थे ना, ऐसा कैमरा है, वैसा इंटीरियर है, लेग स्क्रीन है,
भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारे फीचर्स, आप भी कहोगे वाह यार टाटा ने कमाल कर दिया इन्होंने, जो अभी ये वाला जो डिज़ाइन अपना नेक्सॉन वगैरह में स्टार्ट करा ना देना, ये एक नंबर लगता है इस तरीके का इसका। ये हो गया अपना डोर, चारों पावर विंडो को देखने को मिलती है और ये चारों की चारों वन टच अप डाउन है भाई। डोर की क्वालिटी यहाँ पे लेदर फिनिश वगैरह देखोगे, यहाँ पे पूरी की पूरी बोतल होल्डर वगैरह सब एक नंबर लग रहा है। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम इसका हो गया, यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स हमको देखने को मिल रही है फियरलेस प्लस टॉप वेरिएंट में, यहाँ से हम अपनी जो हवा ववा है वो ले सकते हैं अपना, इसमें गर्मियों के टाइम पे चीज़ बहुत ज़्यादा आती है। और मेमोरी फंक्शन वाली सीट्स हैं, तीन बंदों की मेमोरी आप इसमें आराम से सेट कर सकते हो और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हमको इसके अंदर सीट्स भी देखने को मिल रही हैं। चलो इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ देखो आप रियल मजा भाई गाड़ी का। भाई मैं तो कहता हूँ ये फॉर्चुनर वॉर्चुनर को ना जिनको इतने भाव बढ़ रहे हैं ना वो भूल जाने चाहिए यार गाड़ी में, मतलब मैं सही बता रहा हूँ आज हवाबाजी कोई नहीं, बैठते ही फील आ रही है यार कि कुछ है यार। ये डिस्प्ले देखो कम से कम 12.5 इंच की है ये, कहाँ अभी तक कंपनी 10 इंच तक ही हमको सीमित थी ना देने के लिए। ये देखो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा टच सिस्टम दे दिया, मतलब अगर आपको 1000 लाइट्स ऑन ऑफ करने हैं तो ये भी पूरा टच करके ही करना पड़ेगा। स्टीयरिंग देखो आप, ये टाटा का लोगो इसमें जलता हुआ दिखता है, जैसे मैं इसको बंद करूंगा ना इसका स्टार्ट बटन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे की आदत पड़ रखी है यार, यहाँ पे बेसमेंट में चाबी लगानी पड़ेगी तो उसके चक्कर में। ये मैंने बंद कर दी पूरा, देखो ये बंद ये बंद ये बंद, पूरा डिजिटल यहाँ पे पूरा सिस्टम बंद हो चुका है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो अब आप देखोगे पूरा दोबारा से यहाँ पे चालू हो जाएगा सारा सिस्टम, टाटा का लोगो किस तरीके से बन के आता है ये देखो आप। और अगर आपको हॉर्न दबाना है, जैसे बहुत भाइयों की ये रहती है कि यार हॉर्न कैसे दबाएंगे, तो कुछ नहीं है, इसको प्रेस नहीं करना है हमको, इसको प्रेस करना है इस तरीके से। हॉर्न की आवाज तो भाई वैसे अब भी सेम ही है। और ये देखो पूरे इसके कंट्रोल हो गए आगे पीछे करने के, क्रूज कंट्रोल वगैरह के कंट्रोल हो गए, ये पूरा स्टेयरिंग का आप ये देखो भाई। और टाटा ना अलग ही पाथ पे चल रहे, पता नहीं इन्होंने कौन डिजाइनर विजाइनर पकड़ रखे भाई, मतलब ये क्या लगे एकदम गाड़ी, मतलब ऐसे से ऐसे पलट देना ना वो वाली चीज को इनसे करना सीखे भाई। देखो जो बढ़िया काम करेगा उसकी तो तारीफ करी जाएगी आज ना तो कल। देखो डिस्प्ले देखो आप, पहले कैसी आती थी और आज देखो, कोई क्यों ना करे भाई इसकी तारीफ, मतलब हर चीज की मुझे तो क्वालिटी अभी फिलहाल तो बहुत बढ़िया लग रही है। फर्स्ट इंप्रेशन की जहाँ पे बात आ गई वहाँ पे तो नोटिफिकेशन वगैरह ये पहले कैसे आते थे आपने देखा होगा, हम बहुत मंदे टाइम से हैरियर को देखते आ रहे हैं। ये हैरियर जब लेटेस्ट नया नया प्रोडक्ट आया था ना एक टाइम पे फ्लॉप का वो दे दिया गया था इसको, जब इसमें पैनोरामिक सनरूफ वगैरह नहीं आती थी 140 पीएचपी तक ही आती थी, फिर उन्होंने 170 करके और सब करके एक नंबर चीज़ कर दी, फिर लोगों का इनका ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और आज की हैरियर देख लो आप, कोई कह सकता है इसको साइड वाली को खड़ी कर दो कि क्या ही बना दिया। 3D तो इसमें चारों कैमरे मिल रहे हैं हमको, देखना आगे पीछे नीचे ऊपर ORVMs के नीचे हर जगह कैमरा है, पूरे पूरी चीज यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे टाटा ने दी है इसके अंदर डार्क एडिशन के अंदर। और सबसे ज्यादा इनका डार्क एडिशन ही बिकता था। JBL का साउंड सिस्टम आ रहा है भाई पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देखोगे पूरा मूड लाइट वगैरह या एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको पूरी सेटिंग वेटिंग यहाँ पे चेंज करने का पूरा ऑप्शन मिल रहा है। इसकी ब्राइटनेस वगैरह मूड लाइट फ्रंट रियर ऑटो इसके अंदर लाइट्स, इसको ऑफ करता हूँ फिर ज्यादा उजाला हो जाएगा। ये देखो अब हो गया ना ज्यादा उजाला, पहले क्या है वो वैसे डिम कर देता है ना। ये भी बहुत प्यारी लग रही है, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अमेजोन की एलेक्सा हो गई, AQI हो गई, इनकी तरह वो भी दे रखा है कि जोमेटो वोमेटो फालतू का वो तो चलो नहीं है, वर्ड थ्री वर्ड्स पता नहीं है क्यों देते हैं, पर ये बहुत बढ़िया लग रही है डिस्प्ले रियलिटी में। मैं बताऊं JBL का इसमें पूरा साउंड सिस्टम है, अकॉस्टिक बेस इनहेंसर, ये पता नहीं भाई आजकल गाड़ियों का कंपटीशन इतना बढ़ रहा है ना देख के मजा आ जाता है। अब आपको लग्जरी में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, देसी रेंज रोवर जो कहते हैं ना वो यही गाड़ी है यार, इतना सब कुछ तो इसके अंदर मिल रहा है यार। एम्बिएंट लाइट फेम्बिएंट लाइट आपको जिस तरीके का आपका मूड है, लाल पीला नीला रंगीन हरा हर तरीके से तो आप चेंज कर सकते हो यार इसके कलर को पूरा का पूरा। ये देख रहे हो ऐसे ही टेंटन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कौन सा कलर चेंज हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। भाई बढ़िया लग रही है गाड़ी कुल मिला के। और यहाँ पे मैं वीडियोज देख रहा था वो मीडिया वाली, तो कह रहे थे कहीं भी टच करो वो होता है फैन स्पीड, इसमें तो नहीं हो रही भाई, इसमें तो वो वाली ये तो मुझे लग रहा है टच ही नहीं हो रहा लगता है ना, हो तो रहा है हो रहा है हो रहा है। ये तो टेम्परेचर के ठीक है, ये भी टेम्परेचर के डुअल जोन AC हमको देखने को मिल रहा है, बढ़िया है भाई कुल मिला के। ये अपनी होगी पूरे भाई साहब, यहाँ पे भी इन्होंने वो दे रखी है एम्बिएंट लाइटिंग, मतलब सनरूफ के यहाँ पे भी रात में की ट्रिप व्रिप पर जाएंगे तो फील ही आ जाएगी इतनी बड़ी सनरूफ के साथ। भाई वाह, कोई बंदा कितने आराम से खड़ा हो सकता है, वो वाली चीज़ है, पूरा ग्लास पीछे तक जाता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे SOS के बटन हो गए, ये पूरा ब्लैक कर दिया, यहाँ पे लाइट हो गई हमारी, पूरा पूरा ब्लैक एडिशन हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी हमको मिरर वगैरह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जरूर हमको एक मिरर वगैरह दिया गया है। अभी देखना वो जो लाइट है ना जैसे मैंने दबाई थी वो बंद हो गई थी, अब दोबारा जलेगी, ये बंद हुआ, ये देखो दोबारा से वो नीली वाली लाइट जल गई। क्या प्रीमियम लग रही है भाई, ये एक नंबर। और इसमें पूरा लेदर टच दे रखा है, और साइड वाली सीट भी जो अपने को देखने को मिल रही है ना ये भी हमको इलेक्ट्रिक ही मिल रही है और वेंटिलेशन के साथ, तो इसमें भी हमको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रीमियम इन्होंने मेरे ख्याल से कोई कसर छोड़ी नहीं है भाई, मतलब फीचर्स के हिसाब से बात करते हो ना। चलो इस सब को छोड़ के अब ये देखो आप,
इको मोड, स्पोर्ट मोड, हिल डिसेंट मोड, यहाँ पे नॉर्मल मोड लगा हुआ है आपको, ये वेट मोड लग गया, इस पर हम दबाएंगे माउंटेन रोक मोड, वो इंजन तो सेम ही 170 bhp वाला, बस ओके ओके ओके, ये पूरा बदल दिया। गियर नॉब देखो आप, ये लग रहा है किसी लग्जरी गाड़ी से कम आपको, देख रहे हो आप यार, इसको पार्क भी रहने देता हूँ, देखना क्या लग रही है यार ये गाड़ी, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, यहाँ पे अपना आप कप वप रख लो, 3 cup आराम से आ जाएंगे, मतलब अगर आज फंसाओगे तो, इन्होंने जगह तो ऐसी दे रखी है। ये हो गया इसका आर्मरेस्ट, 12 volt का सॉकेट यहाँ पे मिल रहा है, और ये हमको एक टाइप सी के साथ साथ मॉडर्न हो गए हैं, ये भी यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट दिया, एक टाइप ए पोर्ट दिया, यहाँ से आप आराम से अपना फ़ोन वोन भी चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी अपने को पोर्ट मिल रहे हैं, USB पोर्ट और 45 volt का फास्ट चार्जिंग भी हमको हैरियर में यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे नीला नीला सा ही कर रखा है, डार्क एडिशन में ये बढ़िया पूरा पूरा अपना काला ही मिल रहा है, और जो वेरिएंट इनके जो मैं देख रहा था वीडियो वगैरह उनमें कहीं पीला हरा वो थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था, बट इसमें ऑल ब्लैक करके काफ़ी बढ़िया ये चीज़ लग रही है। JBL का पूरा स्पीकर सिस्टम हमको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे लेन कीप असिस्ट और पूरा का पूरा एडास वाले जो फीचर्स हैं, पर इसमें अभी भी अपकमिंग फीचर बता रखा है यार, ये लेन कीप असिस्ट वगैरह शायद ये पता नहीं डिलीवरी के बाद एक्टिवेट होगा या किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद करेंगे, ये हो सकता है भाई। चलो मैं पीछे चलता हूँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी महंगी सी गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हों, विद इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे 50 lakh गाड़ी बेच चुके हैं, तो यहाँ पे अब हर गाड़ी में ये वाली बैच जो हमको लग के मिल रहा है। अच्छा, हैरियर और सफारी में मेजर क्या डिफरेंस मिलता है हमको, सीटिंग कैपेसिटी का, ये हमको प्रॉपर एक 5-seater देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे हमको स्पेस वगैरह आप देखोगे काफी इसमें डिसेंट हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपना कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए दिया गया, यहाँ पे अपना कुछ सामान हम रख सकते हैं, यहाँ पे टाइप ए और टाइप सी हमको पोर्ट पीछे की साइड भी देखने को मिल रहा है अपना फोन वगैरह चार्ज करने के लिए। पूरी लेदराइट की सीट्स है, यहाँ पे भी प्रॉपर कंप्लीट हमको मिल रहा है, और यहाँ पे अब हमको पीछे की साइड कर्टेन्स भी, यहाँ पे टाटा भी फिलहाल कंपनी में पीछे से ही ऑफर कर रही है, यहाँ पे हमको ग्रैब हैंडल मिल रहा है पीछे की साइड, और यहाँ पे भी हमको एक वाइड लाइट का ऑप्शन दिया गया है। JBL का स्पीकर सिस्टम, ट्विटर वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, पूरी यहाँ पे पूरा का पूरा लेदर वाली चीज हमको मिल रही है, यहाँ पे स्पीकर हो गया, और ये एक आर्मरेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमने 2 cups आराम से बैठ के आराम से जर्नी अपनी एंजॉय कर सकते हैं, इतने प्यारे, जब इसमें गाने वाने चला लोगे और जब इसमें ऑटोमेटिक लगा के इसमें टोकन बटाते 6 speed जब चलोगे ना भाई, फील ही दे देगी। हैरियर का ना मेरा सिस्टम बदल गया भाई, पूरा नजरिया जो होता है ना आदमी का पूरा पूरा चेंज हो चुका है इस गाड़ी को, अब जब मैं देख रहा हूँ रियल आंखों से। ये देखो नेक रेस्ट भी कितने प्रॉपर यहाँ पे मस्त वाले डाल दिए गए हैं ब्लू स्टिचिंग के साथ, पार्सल ट्रे वगैरह भी हमको देखने के लिए मिल रही है, और इसके जो AC वेंट्स है ना वो यहाँ पे नहीं है, आप नोटिस करो, इसके हमको मिलते हैं यहाँ की साइड, और ये अगर आपको एडजस्ट करनी है ये इसका लंबर सपोर्ट वगैरह, तो उसका ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया गया, बोस मोड वगैरह इसमें नहीं आते, सफारी में आते। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ से हम इसका जो बोनट है हुड है वो खोलेंगे, और डार्क एडिशन में तब आप देखो इसमें अभी डीजल ऑप्शन आता है हमारे पास एक सिंगल, जो हमको 2.0 liter का क्रायोटेक डीजल इंजन देखने को मिल रहा है, जिसकी बैजिंग यहाँ पे भी हम आपको मिलेगा, इसमें भी थोड़े से चेंज यहाँ पे किया गया है, ये पाइप से पहले ऊपर नहीं होता था भाई, देखो क्रायोटेक यहाँ पे बैजिंग आ रही है, और 170 bhp निकालता है ये आपको 350 Nm टॉर्क के साथ। फ्रंट व्हील ड्राइव है गाड़ी, 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं आया है, ना ही अभी पेट्रोल ऑप्शन यहाँ पे आया, केवल डीजल में मैनुअल और ऑटोमेटिक 6 speed के साथ ही ये गाड़ी अभी फिलहाल अवेलेबल है। ये हमको पूरा यहाँ पे इसका इंसुलेशन वगैरह मिल रहा है, गाड़ी रियलिटी में बहुत साइलेंट कर दी गई है इस फेसलिफ्ट वाले अपडेट के साथ, अब लग रहा है कि हाँ आप एक बड़ी यहाँ सी बहुत प्रीमियम सी गाड़ी लेकर चल रहे हो। इसकी रोड प्रेजेंस कोई भी दूर से देख के ये कहेगा कि कोई तगड़ी सी गाड़ी आ रही है। फिलहाल की तारीख में इंट्रोडक्टिव प्राइस में ऑन रोड आपको ये दिल्ली NCR में 30 lakh rupees की गाड़ी पड़ती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।